मालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमर हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए। आ गया पंछी जाल में फंसने। ये गाड़ी अचानक यहाँ कैसे आ गई? बालवीर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? उस बेचारे को लग रहा है कि वो हमें अपना शिकार बना रहा है, लेकिन हम तो यहाँ शिकार बनने ही आए। ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। एक बालवीर तक तो पहुंच गया कालोक, अब बारी है नन्हे बालवीर की। बालवीर, बालवीर, अच्छा बालवीर, हो तो ये है इस कहानी का दूसरा सिरा, खोदा पहाड़ और निकली तिमनासा। पहना जाने आखिर समुद्र के बड़ी मछली को पकड़ ही लिया, खुद बालवीर को यहाँ लाकर पकड़ दिया। अब हमारी जीत पक्की है भैरानी, और जीत का स्वाद भी बहुत मीठा होगा, क्योंकि इस जीत को हासिल करने में साथ भी तो तुम्हारी माँ ने दिया है बालवीर। अगर कालपरी ना होती तो पृथ्वी पर हमारी शक्तियां कैसे चलती और हम जीतते कैसे? ये बालवीर की हंसी सदमे की हंसी है या फिर कोई 15 कदम आगे की चाल चलने वाला है हमारे साथ? तुम्हें क्या लगता है तिमनासा, कि हम यहाँ तुम्हारी वजह से आए हैं? हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, और वो भी तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए। ये तो 15 कदम आगे की चाल वाली हंसी थी, मतलब अब तो डूबने वाले कालों के मटके। विवान भाग, आज तो तुझे बालवीर भी बचाने नहीं आएगा। गया छोटा बालवीर,
हम तो आ रहे विमान। ये परियां यहाँ क्या कर रही है? अब आपको अगले 11 बलों तक इस गाड़ी को डलडल में फंसा के रखना होगा। बालवीर, अब सिर्फ 11 पलों का वक्त बचा है। 11 पल? बहरानी, कौन से 11 पल की बात कर रही है? बहरानी के 4, बहराजा के 4, मेरे 2, तुम्हारा 1 पल हो गया। अब चुपचाप खड़ा रहा यहाँ पे। तुम में और मुझ में यही फर्क है तिमनासा। तुम पेठ पीछे वार करती हो और मैं घर में घुसकर सामने से वार करता हूँ। चलिए वायु परी। ये क्या बहराने? अपने मोती के दानों की तरह चुन चुन कर भारत नगर के निवासियों को जमा कर दिया था और बालवीर ने एक ही झटके में आपके दिल का मोती चूर कर दिया। इस जादुई गाड़ी में बहुत शक्ति है, इसे और देर तक रोके रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस कुछ पल और पानी परी, ये गाड़ी काल लोक और धरती लोक के बीच का पुल है, इस हाथ से छूटने नहीं दे सकते। बटर, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? वायु परी, इन सबको भारत नगर भेज दो। अरे कुठे गेले सगळे? अरे ओ सुनो भारत नगर के वासियो, कुठे आज? अरे आज कुठे? अरे अरे, आसमान से बारिश होती है, ओले गिरते हैं, इंसान कब से गिरने लगे? आई लाइक, क्या चल रहा है? सब ठीक हो ना? बोलो नहीं, सुनो। करुणा जी, मैं तो चुप ही हूँ। गिर पड़ी जी, आपने हम सबको काल लोक क्यों भेज दिया था? मैंने कब? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गिर पड़े। हम तुम्हें कानून का रखवाला समझ रहे थे और तुमने ये गैर कानूनी काम किया। अरे दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया है। और आप हमें रेस्टोरेंट लेके जा रहे थे ना? मैंने? हाँ। कब? हाँ हाँ गिरपड़े, मैं तुम पर केस करने के लिए विदेश से वकील लाऊंगा। बहुत महंगे वाले। मैं सुधा केस करना तुझे। अगर ताई बाहर चला भाई, इस बार हार जरूर गया हूँ बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इस गाड़ी को अभी नष्ट करते हैं। हमने कर दिखाया बटर। अब भारत नगर के सभी लोगों के दिमाग से काल लोक की यादें मिटानी होगी। बटर, ये क्या कर रहे हो? इन सब की बुरी यादों को मिटाकर अच्छी यादें दे रहा हूं।
मजा आया पिकनिक में है? क्या कूद कूद के नाचे हैं मिश्रा जी है? माइकल जैक्सन की तरह वो गिलहरी अखरोट खाते वक्त बहुत क्यूट लगती है। नहीं नहीं वो दोनों बातें अलग है। बढ़िया बढ़िया नाचे बढ़िया नाचे। भाई नाचेंगे क्यों नहीं, अमेरिका से जो डांस सीख के आए हैं। ये बात कुछ आदम नहीं हुई। क्या बात है, क्या बात है? बहुत मजा आया ना मम्मी। हाँ। हम ऐसे पिकनिक्स पे और जाएंगे। हाँ सुतली हर संडे जाना चाहिए। हाँ नहीं सुतली ऐसे एक पिकनिक 2-3 साल के लिए काफी है। नहीं उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। विवान उठते हो या लाऊं ठंडे पानी की बाल्टी? ठंडा पानी नहीं मम्मी, ठंडा पानी नहीं। लेकिन मम्मी आज तो संडे है ना। किसने बोला संडे है? आंखें खोलो और उधर देखो, आज सैटरडे है। सैटरडे आज सैटरडे। हिंदी टीचर ने तो मुझे होमवर्क दिया था निबंध लिखने का। नहीं किया ना होमवर्क, अब स्कूल जाओ और बकेट भर के डांट खाओ टीचर की, वो ही सुधार सकती है तुम्हें। थोड़ा सा भी पेट में दर्द हो रहा है तो नीम करेले रखे हैं, उनका जूस पिला दूंगी तुम्हें। और अगर सर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन लगवा दूंगी। नीम करेले का जूस और इंजेक्शन से तो अच्छा है डांट ही खा लूंगा स्कूल में। मम्मी टिफिन तैयार है क्या? हाँ बेटा। और तू क्यों नहीं तैयार अब तक? क्योंकि इन राजकुमार को लग रहा है कि आज संडे है। मम्मी मैं तैयार हो जाती हूँ, आज साइंस एग्जाम में बहुत मजा आएगा। यकीन नहीं होता, ये मेरी बहन है। बेटा तेरे ही दिमाग में गायब हुआ है सैटरडे, पूरी दुनिया के नहीं। चल 5 मिनट के अंदर ब्रश करके नहा कर निकल वॉशरूम से, चल जल्दी। हाँ काश कोई सैटरडे को संडे बना देता। कोई क्यों, मैं खुद क्यों नहीं, आखिर मैं भी तो बालवीर हूँ और बच्चों की मदद करना मेरा फर्ज है। दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसे संडे ना पसंद हो, खुशी दीदी के अलावा। बच्चे जो बहुत पहले से ये सपना देखते आ रहे हैं, आज मैं वो पूरा करूंगा। किसी महान आदमी ने कहा कि मुश्किल से मुश्किल काम किसी आलसी को दे दूं तो वो बिना मेहनत के कोई तरकीब निकाल कर यूं कर लेगा। बच्चों को है संडे से प्यार, लोगों को जय शनिवार। यस थैंक यू। ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मम्मी। आज तेरी वजह से मुझे भी लेट होने वाला है विवान। सैटरडे को पांडे जी जल्दी लंच करते हैं, खीर का वेट कर रहे होंगे वो। लेकिन पांडे जी संडे को खीर थोड़ी खाते हैं। क्या? हाँ संडे है देखो। हाँ आज संडे है। हाँ तो संडे। हाँ क्या आज संडे है तो मैं फालतू में साइंस एग्जाम के लिए इतना खुश हो रही थी। अरे बोलो नहीं सुनो, चलो कोई बात नहीं, अब संडे है तो फिर मैं जाकर भिंडी और बैंगन ले आती हूँ। आज कस्टमर्स भिंडी मसाला और बैंगन के भरते का वेट करेंगे। और आज तो संडे के दिन इतनी जल्दी कैसे उठ गया? जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है ना, इसलिए। चलो दीदी क्रिकेट खेलते हैं। आजा। हाँ चलो, लेकिन पहली बैटिंग मैं करूँगी। ठीक है कर लेना, वैसे भी कल दोबारा संडे आएगा तब मैं पहले बैटिंग कर लूंगा। तिम्नासा मुझे लगता है हम पर किसी ने हमला कर दिया है। किसकी हिम्मत हो गई काल लोक पे हमला करने की? जब मैं सर्वकाल मंदिर में तपस्या कर रही थी तब मैंने बहुत ही ताकतवर शक्ति को महसूस किया। जिस शक्ति को तुमने महसूस किया है कालपरी, वो हम पर हमला करने नहीं आई बल्कि उसे तो मैंने जागृत किया है, और उस ताकतवर शक्ति का नाम है
क्रोधाल। कौन है ये क्रोधाल? तिम्नासा के अगले वार के लिए तैयार हो जाओ। परियो, मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताना चाहता हूँ। हम हर बार बुराई के वार करने का इंतजार करते हैं, तो क्यों ना इस बार बुराई के वार का इंतजार करने के बजाय हम खुद ही बुराई पर वार करते। मतलब बुराई के बीज को बुराई का पेड़ बनने से पहले ही अच्छाई का बीज बना दिया जाए। हाँ बिल्कुल, वैसे ऐसे ही नेक ख्याल तो विवान ने भी दिया था 2 दिन पहले। वैसे परियो, ये ख्याल भी उसी ने मुझे दिया है। वाह क्या बात है, लेकिन आज तुम बहुत खुश लग रहे हो बालवीर। अरे खुश क्यों ना हो, एक शिष्य अपने गुरु को सलाह देने लगे, इससे अच्छी बात एक गुरु के लिए क्या हो सकती है। वैसे परियो, आप सबको ये युक्ति कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा। हाँ बालवीर बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, मैं अभी पृथ्वीलोक पर जाता हूँ और विवान से कहता हूँ कि परियो को भी ये सुझाव बहुत पसंद आया। तब तक आप भी शौर्य से बात कीजिए और आगे की योजना बनाइए। हजारों साल पहले क्रोधाल नाम के एक बहुत ही गुस्सैल साधु ने सर्वकाल मंदिर में समाधि ली थी। अपने अंदर समाई हुई बेहद शक्तिशाली और काली ऊर्जा से दुनिया को बचाने के लिए। क्या? और तुम इसकी क्रोध शक्ति इस्तेमाल करना चाहती हो, इसलिए तुमने क्रोधर को जागृत किया है। बिल्कुल सही समझा तुमने भैमर। नन्ही उंगली की कसम, ये क्रोधाल तो बहुत वो लग रहा है, विध्वंसकारी। तिम्नासा, अब इस क्रोध शक्ति का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप इस शक्तियों का इस्तेमाल हम पर मत कीजिए, हम तो पहले से आपसे बहुत डरते हैं। हाँ महारानी। अब तुम दोनों मूर्ख धरती पर जाओ और अगर बालवीर विवान या वो परियां कोई भी अकेला मिले तुरंत आकर मुझे खबर दो। हम चले तो जाएंगे भैरानी, लेकिन हम मुंह की खाना नहीं चाहते, इसलिए हमें कुछ थोड़ी बहुत शक्तियां मिल जाती तो अच्छा होता। कालपरी, जल्द ही मुलाकात होगी बालवीर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.